जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब और आपका परिवार अच्छा होगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूई। शुरू करते हैं। देखिए आज की न्यूज आपको देना चाहूंगा अंकल हाउडी के बारे में। देखिए अंकल हाउडी का रिटर्न बहुत समय से पेंडिंग चल रहा है। अंकल हाउडी के बारे में कोई न्यूज भी सामने नहीं आई है। कुछ वक्त पहले न्यूज आई थी, मैंने आपको बताया थी आने वाले हैं, बिकॉज ये बात अब अंकल हाउडी हैं जो कि उनके करेक्टर को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन दो महीने से उनकी कोई अपडेट भी नहीं आई है। तो फाइनली जेरो न्यूज की तरफ से एक अपडेट आई है पिछले कुछ समय से। मतलब अपडेट तो आती रहती है लेकिन अब जाके एक ट्रस्टेड न्यूज आई है, और आई थिंक ये कहीं ना कहीं आप सबके लिए बैड न्यूज है, बिकॉज अंकल हाउडी के बारे में डोडी कंपनी ने अभी कोई प्लान बना ही नहीं है। जी हाँ, अंकल हाउडी का रिटर्न अभी नहीं होने वाला। अंकल हाउडी जिस तरह से हम सोच रहे थे कि ब्रेवर्ट की जगह लेंगे उनके करेक्टर को, फ्यूचर में लेके आने वाले हैं अंकल हाउडी, यानी कि बोर्ड डायलर जो उनके भाई हैं वही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोडी कंपनी की तरफ से, ट्रिपल एच की तरफ से अभी तक कोई भी स्टोरी लाइन कहानी अंकल हाउडी के लिए लिखी नहीं गई है, और ना ही उनके रिटर्न के बारे में चर्चा चल रही है, समझ सकते हैं आप। तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, और आई थिंक मेरे हिसाब से ये डिसरिस्पेक्टफुल, बिल्कुल 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 डिसरिस्पेक्टफुल कहूँगा, बिकॉज मैं प्रेवेट के जाने के बाद आई थिंक जैसे मैंने कहा था ना यार, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, लोग होते हैं ना जो उस वक्त तो बहुत रोते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन ये 24-48 घंटे की चीज़ होती है बस। मैं आपको सही कहूँ, ये चीज़ें हैं हमारी दुनिया में है, आपके साथ कुछ भी गलत होगा या कुछ भी होगा ना, लोग से 2-3 के लिए याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे आपको, समझ सकते हो ना। अब ये आप, अच्छा आपको एक बात बताओ, ब्रेवर्ट याद है आपको? मुझे लग नहीं रहा आपको याद है, किसी को याद नहीं होगा, मुझे तक याद नहीं थे, वो तो उनकी न्यूज़ आई थी मैंने कुछ चैनल पे दी। तो समझ सकते हो कि आप, अब ये हमारी दुनिया है, ये हमारी ज़िंदगी है कि हम सिर्फ लेटेस्ट न्यूज़ को ही याद रखते हैं, और लेटेस्ट न्यूज़ भी 2 दिनों के बाद वो ओल्ड न्यूज़ हो जाती है, बिकॉज हर घंटे हर सेकंड एक लेटेस्ट न्यूज़ आती है, समझ सकते हो ना। फिर जिस तरह से हर साल फ़ोन के नए मॉडल आते हैं, हर महीने नए फ़ोन आते हैं, आपके लिए वो फ़ोन अभी नया होगा लेकिन एक साल बाद वो पुराना हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज़ होती है। अभी अंकल हाउडी के बारे में मैंने सुना कोई प्लान नहीं बन रही, मेरा तो सर घूम गया यार, बिकॉज मानता हूँ कि सीएम पंक जैसे बंदे का रिटर्न हो गया, मैं फेवरेट सुपरस्टार, लेकिन भाई ब्रेवर्ट भी वो यार, वो भी हमारे फेवरेट थे यार, और उनके जाने के बाद कोई ना कोई होना चाहिए जो कि उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करे। आप मेरे को कमेंट में बताइए मैं गलत कह रहा हूँ, कोई ना कोई होना नहीं चाहिए जो ब्रेवर्ट की लेगेसी को कंटिन्यू करे, जो कि उनकी जगह ले। जगह लेने का मतलब ये नहीं डिसरिस्पेक्ट, जगह लेने का मतलब है कि हमें ब्रेवर्ट की कमी ना खले, हमें ऐसा लगे कि यार ये बंदा है जो कि डोडी कंपनी में ब्रेवर्ट का काम कर रहा है, जो कि ब्रेवर्ट नहीं कर पाया, मतलब नहीं कर पाया का मतलब है, समझ रहे हो आप। तो कोई उनकी लेगेसी का बंदा होना चाहिए, और सबसे बढ़िया बात है उनके ब्रदर यानी कि बो डैलस, वही अंकल हाउडी थे, वही इनके करेक्टर को मतलब बढ़ा सकते हैं, और फैंस की तरफ से बू नहीं मिलेगी, फैंस की तरफ से चेयर ही मिलेगी, वो प्राउड मिलेगा बल्कि, क्योंकि ब्रेवर्ट को देखना चाहते थे और अंकल हाउडी का डिफरेंट करेक्टर, तो उनके लिए उनका यूज़ करना चाहिए डोडी कंपनी को। मानता हूँ कि डोडी कंपनी इस समय बिजनेस पर ध्यान दे रही है, रेसलमेनिया में प्लान बना रही है, मतलब समझ रहे हो आप फ्यूचर, बट यार एक करेक्टर था उसको आपके लिए कुछ सोचना चाहिए आपको। और मैं सही कहूँ, मैं गुस्सा करके भी कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज हम मालिक तो है नहीं ना यार, क्योंकि मैं डोडी कंपनी का मालिक होता भाई, मैं तो क्या क्या कर देता यार बताओ, तो मैं तो ब्रेवर्ट को रिलीज ना करता अगर डोडी कंपनी का मालिक मैं होता या मेरे हाथ में पावर होती, क्योंकि ब्रेवर्ट को सबसे पहले रिलीज़ किया था आई थिंक, तभी से वो बंदा टूटा था, किसी की जॉब लगी हुई है और आपने ब्रेवर्ट को तब रिलीज़ करा कंपनी में, मतलब तब रिलीज़ किया जब लॉकडाउन था, जब लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, पैसे नहीं थे, तब ब्रेवर्ट को रिलीज़ किया गया उस कंपनी से, और कोई मतलब ही नहीं, कोई तुक नहीं बनता उनको रिलीज़ करने यार, इतने फुद्दू सुपरस्टार डोडी कंपनी में अभी फ़िलहाल भरे हुए हैं, मैं आपको बताऊँ तो, मतलब समझ सकते हो आप, अभी तो कमी हो गई लेकिन पहले थे, तो इतने सब सुपरस्टार आपने भरे हुए थे, आपने उनको रखा हुआ था, आपने ब्रेवर्ट को रिलीज़ कर दिया गया 2021 में, भाई मैं सही कहूँ ना, मैं अभी तक वो चीज़ भूला नहीं हूँ, वो इंसिडेंट मैं भूला नहीं हूँ अभी तक, और मेरी आंखों के सामने वो चीज़ें आ जाती हैं जब मैं चीज़ों को याद करता हूँ। अभी थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं तेज़ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन अभी मैं ये नहीं तो पूरा मैं चक देता फट्टे अभी मैं इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि आई नो
मैं जानता हूँ कि वो चीज़ें क्या होती हैं जब आपके पास काम नहीं होता, या पैसे नहीं होते, आपके पास जिंदगी जीने का तरीका नहीं होता। और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें हैं भाई, वो सच भी हो रही है। ब्रेवर्ड के जाने से बिजनेस को सबको बहुत नुकसान हुआ यार, लेकिन अंकल हाउडी इज अ बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू विद अंकल हाउडी। लेकिन डोडी कंपनी, मुझे नहीं पता उनके मन में क्या चल रहा है, डोडी कंपनी किस तरह सोच रही है, डोडी कंपनी किस तरह से मैनेजमेंट देख रही है कि सर उनको रसल मैनी का प्लान ही बनाने, लेकिन उनको जो है ब्रेवर्ड की जगह किसी सुपरस्टार को नहीं देनी है। भाई साहब मानता हूँ यार, यू शुड रिस्पेक्ट दैट, बट ये चीज़ें सही नहीं है। आप ब्रेवर्ड को ब्रेवर्ड की जगह किसी को दो, उनके भाई बॉब डैलस से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों अभी तक कोई भी रिपोर्ट कंफर्मेशन नहीं है कि ये बात सच है, लेकिन जरूर न्यूज है इसलिए थोड़ा बिलीव बनता है उनकी बात पे, बिकॉज ट्रस्टेड ऑब्जर्वर है रेसलिंग का, और मैं मानता हूँ कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। ब्रेवर्ड के बारे में जिस तरह से न्यूज़ें पहले सामने आई थी कि ब्रेवर्ड कंपनी में रिलीज हो चुके हैं, नहीं आने वाले, लेकिन आए ना। लेकिन अब अंकल हाउडी का तो भाई ऐसा कोई सीन लग ही नहीं रहा, बिकॉज अंकल हाउडी यानी कि बोर्ड डैलस अभी तक डब्ल्यू कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जी हाँ, वो ब्रेवर्ड के साथ एज अ कॉन्ट्रैक्ट में थे, बट ब्रेवर्ड के जाने के बाद तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रहा नहीं ना, और न्यू कॉन्ट्रैक्ट तो भाई मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यू कंपनी बोर्ड डैलस को ऑफर करेगी। बिकॉज मैं आपको सही बताऊँ, अगर आपने अंकल हाउडी को देखना है ना, तो सबसे पहले फैंस की तरफ से, आप सबकी तरफ से एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमें अंकल हाउडी को देखना है। फैंस ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह सीएम पंक का नाम ले रहे थे भाई, सीएम पंक, इतनी ज़्यादा हाइप बन गई थी और सीएम पंक का रिटर्न हुआ। लेकिन बो डैलस, अंकल हाउडी अभी तक ऐसी कोई हाइप नहीं है, क्योंकि फैंस चाह ही नहीं रहे ना कि वो अंकल हाउडी को देखें, क्योंकि ट्रिपल एच ने साफ कहा था कि भाई मैं वही करूंगा जो फैंस चाहेंगे। फैंस चाह रहे थे कि सीएम पंक का रिटर्न हो, और सीएम पंक का मैंने वापसी कराया। फैंस चाह रहे थे कि रेंडी ओटन रिटर्न करे, बिकॉज वो इंजर्ड थे, क्योंकि रेंडी ओटन के डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि भाई तुम रेसलिंग नहीं कर सकते आप, लेकिन फिर भी रेंडी ओटन का रिटर्न हुआ क्योंकि फैंस चाहते थे। बट फैंस अंकल हाउडी को देखना नहीं चाह रहे हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं खल रही है मुझे। और आई थिंक फैंस को अंकल हाउडी का नाम बोलना चाहिए, फैंस को बोलना चाहिए कि भाई हमें अंकल हाउडी को देखना है, उनका रिटर्न। सो ये चीज़ें हैं दोस्तों, सब कुछ फैंस पर डिपेंड करता है, देन फिर अथॉरिटीज होती हैं, देखते हैं अब क्या होता है। बट अंकल हाउडी अभी फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है अंकल हाउडी के लिए डोडी कंपनी में रिटर्न के चांसेस। तो दोस्तों दिस इज द रियल न्यूज़, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय माता दी।